हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अचीवर केमिस्ट्री क्लासेस में। मेरा नाम है संजय जायसवाल और आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर पार्ट को। जैसा कि पिछले दो वीडियो में हमने देखा था, पहले तो लिगैंड के टाइप को देखा था, लिगैंड का डिफिनेशन देखा था और दूसरे वीडियो में हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। और नॉमेनक्लेचर हमने स्टार्ट किया था, सिंपल टाइप नॉमेनक्लेचर हमने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। अब हम ब्रिजिंग और सिंपल एक साथ हम जो है नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर पार्ट, IUPAC नॉमेनक्लेचर। जिन्होंने भी इससे पहले का वीडियो जो है लिगैंड और लिगैंड्स के टाइप को नहीं देखा है, इसमें पार्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय संजय जायसवाल आप अगर सर्च करते हैं तो डायरेक्ट आपको पार्ट फर्स्ट जो है वीडियो खुल जाएगा और उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद से इस वीडियो को देखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमने बताया था, जैसे एक एग्जाम्पल है K4FeCN6, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, यानी इसका नाम लिखना है। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे काउंटर आयन है तो काउंटर आयन को हम लिखेंगे काउंटर आयन। और फिर हम लिखेंगे क्या, लिगैंड का नाम, लिगैंड का नाम लिखेंगे। और लिगैंड कितने नंबर में है, यहाँ पे हेक्सा यानी कि सिक्स नंबर में है, तो सिक्स को हेक्सा बोलेंगे। यानी कि काउंटर आयन के बाद क्या लिखते, लिगैंड का नाम लिखते, फिर मेटल का नाम लिखते और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते। जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पे आएगा इस मेटल का, सेंटर मेटल का, इस ब्रैकेट में हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे काउंटर आयन, ठीक है, काउंटर आयन। तो आइए इसका नाम लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा काउंटर आयन, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम, तो ये हमारा हो जाएगा पोटेशियम। और फिर यहाँ पे कितने नंबर में लिगैंड है, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। और ये मेटल जो है किस कॉम्प्लेक्स में, निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स में है कि पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स में है। तो देखिए, अगर ये आयनाइज हो जाए तो यहाँ पे फोर निगेटिव आएगा, यानी कि ये निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है। जो ये निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो आयरन का जो नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट। और इसको ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो एक के का कितना होता है, प्लस वन होता है, तो चार का कितना हो गया, प्लस फोर हो गया, प्लस इसका एक्स हो गया माइनस, एक सीएन का माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो सिक्स सीएन का कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से हो जाएगा एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस फोर इक्वल टू प्लस टू, यानी कि यहां पे हम लिख देंगे क्या, फेरेट और ब्रैकेट में प्लस टू, यानी कि रोमन अंक में हम लिख देंगे सेकेंड, ठीक है ना। ऐसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर पार्ट जो है हमने देख पिछले वीडियो में बात किया था कि जो मेटल होते हैं अगर वो निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स में है, यानी कॉम्प्लेक्स पे अगर निगेटिव चार्ज है तो मेटल का नाम चेंज होकर फेरेट हो जाता है। जैसे आयरन है तो फेरेट हो गया, मैग्नीज है तो मैग्नेट हो गया, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो गया, लेड है तो प्लम्बेट हो गया, आयरन है तो फेरेट हो गया, स्कैंडियम है तो स्कैंडेट हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स में मेटल है तो मेटल का नाम चेंज नहीं होने वाला, लेकिन निगेटिव चार्ज में क्या है, चेंज होगा, यानी पॉजिटिव न्यूट्रल में नहीं चेंज होने वाला। आइए नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर करते हैं, MnH2O6Cl3 पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे Cl3 जो है 3 पॉजिटिव बनाएगा और ये 1 जो है ये माइनस बनाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, यक्स प्लस वाटर का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, वाटर जो होता है न्यूट्रल स्टेट में होता, तो एक्स प्लस जीरो माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए कितने नंबर में लिगैंड है, एक्वा, यानी कि वाटर जो है इसको लिगैंड क्या बोलते हैं हम, एक्वा बोलते हैं, AQUA एक्वा। अब यहाँ पे कितने लिगैंड है, तो सिक्स लिगैंड है, इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा मैग्नीज। क्यों नहीं मैग्नेट लिखा हमने, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। हेक्सा एक्वा मैग्नीज और ये हो गया थर्ड, और यहाँ पे क्या है काउंटर आयन में, तो क्लोराइड है, तो क्या हो जाएगा, ये क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम पढ़ते, आप स्क्रीन शॉट इसका ले सकते, ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CO H2O का होल ट्वाइस Cl4 माइनस वन, ठीक है।
ये कॉम्प्लेक्स है CuH2O2Cl4-1। देखिए इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो CO का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और वाटर का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। एक सीएल का माइनस वन तो चार का कितना हो जाएगा माइनस फोर इक्वल टू, यहाँ पे कितना चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस वन, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा। ये माइनस फोर उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस फोर और माइनस वन कितना हो गया यहाँ पे प्लस थ्री हो गया, यानी एक्स इक्वल टू प्लस थ्री। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस थ्री है, किसका कोबाल्ट का। अब इसका नामकरण में सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखते, तो यहाँ पे दो दो लिगैंड है, देखिये दो लिगैंड है तो इसको देखिये क्या बोलते हम एक्वा बोलते, इसको क्या बोलते क्लोराइडो बोलते। तो अब देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले जो है ए आता तो इसको पहले लिखेंगे हम। देखिए दो से ज्यादा यानी एक से ज्यादा अगर लिगैंड आ जाए ना तो क्या करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो लिगैंड का नाम जो है अल्फाबेटिकली अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कितने एक्वा है यहाँ पे डाई एक्वा, दो एक्वा हो गए तो डाई एक्वा, ठीक है डाई एक्वा सीएल फोर है तो टेट्रा टेट्रा क्लोराइडो टेट्रा क्लोराइडो। अब यहाँ पे देखिए कोबाल्ट, ठीक है कोबाल्ट। अच्छा यहाँ पे माइनस वन है ना कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है माइनस वन है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस वन है तो यानी क्या हो जाएगा इसका कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा ठीक है ना कोबाल्टेट। और थर्ड थर्ड ठीक है ना ये हो जाएगा कोबाल्टेट थर्ड, यानी डाई एक्वा टेट्रा क्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, Fe H2O2Cl2Br2 ये Cl का ट्वाइस Br2 ट्वाइस और यहाँ पे माइनस वन लिख दे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आयरन के साथ कौन कौन सा लिगैंड है, H2O भी है क्लोराइड भी है ब्रोमाइड भी, यहाँ पे तीन तीन लिगैंड है ठीक है ना, तो तीन तीन लिगैंड है तो तीनों का नाम पहले तो हम लिगैंड का नाम लिखते हैं। अब लिगैंड के नाम में क्या करेंगे अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकली में क्या होता यहाँ पे तो एक्वा आ गया, यहाँ पे क्या क्लोराइडो आ गया ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया ब्रोमाइडो आ गया, ब्रोमाइडो आ गया। तो यहाँ पे देखिए एक तो हो गया एक्वा, एक तो हो गया क्लोराइडो, एक तो हो गया ब्रोमाइडो, तो यहाँ ए से पहला सबसे पहला ऑर्डर है, फिर सी बाद में, फिर बी पहले, यानी कि ए के बाद बी को लिखे फिर सी को लिखे, यानी ए अल्फाबेटिकल में फिर बी और सी। तो क्या हो जाएगा दोनों दो दो है तो बाई बाई लिख सकते या तो डाई डाई लिख सकते, तो लिख दे डाई एक्वा, डाई एक्वा डाई क्या ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो आयरन हो जाएगा ठीक है। अच्छा आयरन यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फेरेट हो जाएगा ठीक है। ये हो गया फेरेट और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आप तो थर्ड आएगा ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अभी तक हमने एग्जाम्पल पढ़ा तो सारे में हमने देखा कि केवल जो है मोनोडेंडेट को हमने मान के एग्जाम्पल किया ठीक है ना। तो अब हम करते हैं बाइडेंडेट, अगर कोई एग्जाम्पल लिगैंड आ जाए तो क्या होगा, जैसे हम ले लें एफ ई और ई एन थ्वाइस, एफ ई ई एन थ्वाइस थ्री पॉजिटिव, क्या ले लें एफ ई ई एन थ्वाइस थ्री पॉजिटिव। देखिए इसका नाम क्या होता एथिलीन डाई अमीन होता, क्या होता एथिलीन डाई अमीन होता है इसका। यहाँ पे देखिए लिगैंड जो है बाइडेंडेट है तो क्वारिनेशन नंबर कोई बताएगा क्या हो, कितना होगा यहाँ पे क्वारिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बाइडेंडेट है तो टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा यहाँ पे सिक्स हो जाएगा ठीक है ना। क्योंकि जब भी बाइडेंडेट जुड़ता है मेटल के साथ ना तो एक जो बाइडेंडेट जो है दो क्वारिनेट नंबर बनाता, तो यहाँ पे क्वारिनेशन नंबर कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। और ई एन पे जो चार्ज होता, ई एन पे जो चार्ज होता वो जीरो होता, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे एक्स प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे प्लस थ्री चार्ज है तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस थ्री। अब देखिए इसका नाम लिखते हैं ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ठीक है ना, अगर नॉमेनक्लेचर पार्ट से क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, मोनोडेंडेट पे क्वेश्चन कम आते हैं ठीक है, ये बाइडेंडेट पे और ब्रिजिंग लिगैंड पे क्वेश्चन आपके ज्यादा आएंगे ठीक है ना। तो देखिये यहाँ पे क्या करते कि इसका नाम लिखने के लिए क्या लिखेंगे ट्राई ट्राई फिर ब्रैकेट लगा दीजिए ठीक है ना, ट्राई एथाइलीन एथाइलीन डाइअमीन डाइअमीन ठीक है, ट्राई एथाइलीन डाइअमीन।
अब एक चीज हम देखेंगे कि यहां पे देखिए डाई अंदर है, इस ब्रैकेट के अंदर डाई है और यहां ब्रैकेट के बाहर ट्राई है। डाई और ब्रैकेट के बाहर ट्राई, ऐसा जब भी हो जाए ना, जैसे डाई अंदर हो डाई बाहर हो, डाई अंदर हो ट्राई बाहर हो, ट्राई अंदर हो टेट्रा बाहर हो, ऐसा जब भी हो जाए ना, तो यहाँ पे जो दो होता है इसके लिए हम लोग बीस यूज करेंगे, यानी कि डाई के लिए यहाँ पे क्या होगा, अगर टू लिखा रहेगा तो उसके लिए बीस यूज करेंगे, अगर थ्री लिखा रहेगा तो उसके लिए ट्रिस यूज कर देंगे, ठीक है, ट्रिस यूज करेंगे। तो दो के लिए बीस हो गया, तीन के लिए क्या हो गया, ट्रिस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या है, डाई पहले से अंदर लिखा हुआ है तो इसको हटा के क्या लिख दे, हम यहाँ पे ट्रिस लिख दे, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्राई नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ट्रिस लिखा जाएगा। और एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन, देखिए ट्रिस मतलब तीन बार एथिलीन डाइअमीन को लिखा गया, ठीक है ना। अब ये थ्री पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पे है तो इसका नाम क्या लिख देंगे, आयरन और थ्री, ठीक है, ये इसका नामक्लेचर हो गया, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते, सीओ EN twice Cl2, CO EN twice Cl2 positive one, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स पे एक पॉजिटिव चार्ज है। देखिए यहाँ पे EN भी आ गया और मोनोडेंडेट भी आ गया, यानी कि EN क्या है, बाइडेंडेट है और Cl2 क्या है, मोनोडेंडेट लिगेंड है। और EN देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में EN से होता, एथिलीन से होता, E से होता और यहां से C से होता, क्लोराइडो होता है ना, यहाँ पे C है यहाँ पे E है, यानी पहले किसका नाम लिखेंगे हम, तो डाई क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो। अब देखिए डाइक्लोराइडो के बाद यहाँ पे एथिलीन डाइएमीन के बाहर टू लगा है, अभी हमने बताया कि एथिलीन डाइएमीन के केस में क्या होगा, यहाँ पे 20 ले लेंगे हम, तो 20 हो जाएगा क्या, एथिलीन एथाइलीन डाइएमीन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कोबाल्ट, कोबाल्ट प्लस वन है ना, तो क्या हो जाएगा नाम, कोबाल्ट, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो एक्स प्लस जीरो माइनस टू इक्वल टू प्लस वन, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस थ्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, ठीक है ना। ध्यान ये चीज दे रहे हैं आपको कि जब हम नामक्लेचर कर रहे हैं तो सारा स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट भी क्या है, सी स्मॉल लेटर से ही लिखा गया है, ठीक है ना, ये सारा का सारा स्मॉल लेटर में, केवल काउंटर आयन अगर आएगा तो उसका जो है हम लोग कैपिटल लेटर में क्या करते, लिखते नाम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम ब्रीजिंग टाइप नामक्लेचर। अच्छा, ब्रीजिंग टाइप नामक्लेचर से पहले एक और करते, जैसे यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स दिया हो, जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, अभी आप पढ़ रहे हैं कि एक ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स दिया है, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ जाए अगर पीटी एनएस3 4 पीटी सीएल 4 ऐसा कुछ आ जाए, तो अगर ऐसा कुछ आ जाए PTCl PTNS3 4 PTCl 4, अब देखिए नामक्लेचर इसका करना है आपको। यहाँ पे जो है पहले क्या होता था, एक में एक ही चार्ज, एक ही कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव होता था, काउंटर आयन होता था, या तो निगेटिव होता था, इधर काउंटर आयन होता था, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स आ गए एक साथ, अब इसका भी नामक्लेचर करना है, तो अब इसका नामक्लेचर कैसे किया जाए, तो ये देखिए ये वाला क्या है, कैटायन है और ये क्या है, एनायन है, ठीक है ना, ये एनायन है, जो पहले लिखा जाता है हमेशा कैटायनिक होता, जो बाद में लिखा जाता है वो क्या होता है, एनायनिक होता। तो यानी प्लेटिनम का अगर इसका नाम लिखना होगा तो प्लेटिनम लिख देंगे और इसका नाम लिखना होगा तो प्लेटिनेट लिख देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर इस पे पॉजिटिव वन रखें तो इस पीटी पे कितना चार्ज आएगा, पीटी पे पॉजिटिव आएगा, इस पीटी पे कितना आएगा, -1, ये जाएगा +4 तो +3 आ जाएगा। लेकिन पीटी +1 और +3 में एग्जिस्ट नहीं करता है, जब भी पीटी के दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे ना, या तो पीटी +2 में शो करेगा या तो पीटी +4 में शो करता है, ठीक है ना, या तो पीटी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा या तो +4 होगा। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 और +3 होता, क्रोमियम का क्या होता है, +3 और +3 होता, ठीक है। तो ये कोबाल्ट जो पीटी होता है इसका +3 और +4 होता है। तो यहां देखिए इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे हम, क्या करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, पीटी को हमने एक्स मान लिया और अमोनिया का देखिए क्या होता है, जीरो होता है, जैसे वाटर न्यूट्रल मोनोडेंडेट था वैसे
अमोनिया यानी अमीन क्या है, ये अमोनिया नहीं बोलेंगे यहाँ पे, अमीन लिगेंड बोलेंगे। तो अमीन क्या है यहाँ पे, जीरो है, ठीक है ना। प्लस इसको हमने यक्स माना है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। तो यक्स प्लस जीरो प्लस एक्स, एक सी एल का माइनस वन तो चार का माइनस फोर इक्वल टू क्या, जीरो। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी टू एक्स, एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो गया, और ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस फोर। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर अपॉन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू। यानी यहाँ पे टू एक्स, देखिए टू एक्स इक्वल टू ये था ना, तो x इक्वल टू निकाले, यानी x एक PT का ऑक्सीडेशन कितना आ गया, प्लस टू, दूसरे PT का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, टू। यानी कि 2x पे प्लस फोर है तो दोनों को बांट देंगे टू टू, यानी इस पे भी प्लस टू है, इस पे भी प्लस टू है। आइए इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए पहले वाला कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा वाला एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिगेंड का नाम लिखे, कितने अमीन है, तो टेट्रा अमीन है, तो क्या लिखते हैं हम, टेट्रा अमीन और प्लेटिनम, टेट्रा अमीन और प्लेटिनम, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, टू है। उसके बाद से लिखिए टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकंड, है ना। ये हमारा कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर हो गया, एफएससी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते। अच्छा ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि एक पे जो है यहां पे फोर है, इसका तो PTRS फोर है, और एक पे PT जो है CL सिक्स है, ठीक है, PTCL सिक्स है। ऐसा अगर आ जाए तो क्या होगा, ऐसा आ जाए इसका नॉर्मल फीचर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है, तो इसको एक्स मानिए, एक्स प्लस जीरो, इसको भी एक्स मानिए, एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स। अब देखिये एक्स को अगर बराबर बराबर भागों में बांटे तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री और प्लस थ्री, और पीटी हमारा क्या होता है, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन शो करता नहीं है, पीटी हमारा प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, क्या शो करता, प्लस टू और प्लस फोर शो करता। यानी कि एक पीटी को प्लस टू दे दीजिए, दूसरे को क्या बोलते हैं, प्लस फोर दे दीजिए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर चार जिसका है उसको प्लस टू दे दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स जिसका है उसको क्या दीजिए, प्लस फोर दे दीजिए, है ना। इसको याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर चार वाला पीटी जो है वो प्लस टू बनाता, और कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स वाला पीटी जो है प्लस फोर बनाता। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते कि पीटी और एस थ्री अगर है ना फोर है, और पीटी और सी एल सिक्स अगर है तो क्या करते, तो प्लस वन माइनस वन लगाइए पहले, ये सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि पीटी पे प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। आप लगाइए प्लस टू और टू माइनस लगाइए, आप देखिए पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आ गया, प्लस टू आ गया, और इसका देखिए पीटी अगर सिक्स यहाँ पे क्या जा रहा है, पीटी सिक्स टू माइनस जा रहा है, तो एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू, प्लस सिक्स हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि दो दो था ये कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है, ये वन वन नहीं था, ये टू टू यहाँ पे था, कैंसिल आउट कर दिया गया है। यानी कि अगर ये टूटता है तो टू पॉजिटिव इस पे आएगा, टू निगेटिव इस पे आएगा, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, टू इसका आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और प्लस फोर इसका आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नाम क्लेचर कैसे करेंगे। एक पीटी का प्लस टू हमने दे दिया, और दूसरे पीटी का क्या दे दिया, प्लस फोर दे दिया। इसका नाम लिखिए क्या हो जाएगा, टेट्रा अमीन प्लेटिनम सेकंड, और फिर हेक्सा क्लोराइडो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट फोर। ये इसका नाम क्लेचर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स पे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स जो होंगे, जैसे एक एग्जांपल हम लेते कि NH3 जो है फाइव है, और ये CO से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या OH है, ठीक है, OH है और CO है, फिर NH3 ले लिया, NH3 फाइव, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना।
माइनस उधर जाएगा प्लस फाइव इस पे आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखा गया है, जो कि यहाँ पे दो मेटल के बीच में एक लिगेंड जुड़ा हुआ है। ऐसे लिगेंड को हमने बोला है क्या, ब्रिजिंग लिगेंड। यानी जब भी लिगेंड दो मेटल के बीच में जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड, और इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। आइए हम इसका नामकरण सीखते हैं कि कैसे करेंगे। कुछ नहीं, आपने जान रखा है पहले से कि लिगेंड का नाम पहले लिखना होता है फिर मेटल का नाम लिखना होता है ना, तो यही इसमें भी फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रीजिंग लिगैंड होते हैं इसका नॉर्मल फीचर लिखने के लिए हम लोग म्यू टू लिखेंगे। अगर एक मेटल यानी दो मेटल के बीच में अगर लिगैंड जुड़ा हुआ है, ये लिगैंड है और दो मेटल के बीच में जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते, म्यू टू बोलते। अगर यही जो है तीन मेटल के बीच जुड़ा हुआ है कोई लिगैंड, मान लीजिए OH है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते, म्यू थ्री बोलते है ना। तो यहाँ पे म्यू टू वर्ड यूज कर लेंगे, हो गया ब्रीजिंग का काम, ठीक है ना। तो लिगैंड प्लस मेटल का नाम लिखना है, सबसे पहले इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, अमीन का क्या होता जी, जीरो होता, और सीओ का क्या होता, सीओ का एक्स मान लें और फिर माइनस वन, OH का कितना होता, माइनस वन, तो माइनस वन, और ये सीओ का एक्स मान रखा है तो ये भी सीओ का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस जीरो इक्वल टू क्या हो गया, अब जीरो ना हो गया यहाँ पे, प्लस फाइव हो गया यहाँ पे, तो प्लस फाइव हो गया ना, तो टू एक्स इक्वल टू क्या हो गया, प्लस फाइव प्लस वन कितना हो गया जी, सिक्स हो गया, और टू एक्स इक्वल टू कितना हो गया, टू एक्स इक्वल टू सिक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या, सिक्स अपॉन टू यानी कि थ्री। एक एक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, एक एक यक्स का, एक सीओ का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है जी, प्लस थ्री आ रहा, प्लस थ्री आ रहा, एक सीओ का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री आ रहा है ना। तो यानी कि नॉमेनक्लेचर में एक सीओ का प्लस थ्री, दूसरे सीओ का भी प्लस थ्री। इतना स्क्रीन शॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते, लिगेंड प्लस पहले लिगेंड का नाम लिखते उसके बाद से मेटल का नाम। तो क्या करेंगे यहाँ पे, टेट्रा क्या हो जाएगा, कितने अमीन है, कितने अमीन है, पेंटा, पेंटा अमीन, देखिये पेंटामीन नाम लिखा है यहाँ पे इसका, उसके बाद से लिगेंड का नाम लिखने के बाद तुरंत मेटल का नाम लिखा, क्या होता है, कितना चार्ज है इस पे, कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या लिख दिया, कोबाल्ट लिख दिया, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था, थर्ड आया थे, डैश लगाया, म्यू लगाया, ट्यू लगाया, और हाइड्रॉक्सो लगा दिया, हाइड्रॉक्साइड होता है ना, तो हाइड्रॉक्साइडो, हाइड्रॉक्साइडो, ठीक है, हाइड्रॉक्साइडो लिख दिया, ठीक है। और फिर डैश लगा के यहाँ पे नाम लिखना स्टार्ट किया, फिर से यहाँ पे लिगेंड फिर मेटल, तो कितना लिगेंड है, पेंटा अमीन कोबाल्ट और थर्ड। अच्छा यहाँ पे देखिए आयन है ना, तो यहां लिख देंगे आयन, इससे पहले भी हमने जो भी नॉमेनक्लेचर किया हुआ है, अगर नेगेटिव या तो पॉजिटिव आयन बचा रह गया, यानी काउंटर आयन ना दिया हो, तो वहां पे आयन वर्ड जोड़ लेते लास्ट में, ठीक है ना। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया किसका। अच्छा ब्रीजिंग लिगेंड अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्री क्या होती है, जैसे मॉलिक्यूल में सिमेट्री देखना है, तो ऐसे देखिए यहाँ पे प्लेन ऑफ कार्ड, एक प्लेन लगाइए, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट क्या है, दोनों सेम है, NH3CO इधर भी है, NH3CO इधर भी है, यानी ये कॉम्प्लेक्स क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। तो इसको हम पेंटा अमीन लिखने के जगह, पेंटा अमीन लिखने के जगह पेंटा फाइव और पेंटा फाइव, ये पेंटा और पेंटा कितना हो गया, डेक्का हो गया, यानी कि पांच और पांच कितना हो गया, दस हो गया, तो दस को क्या बोलते, डेक्का बोलते, और सीओ सीओ कितना हो गया, दो हो गया, तो इसको बाई बोलते। तो इसका नाम लिख सकते म्यू टू को आगे ले आइए, म्यू टू, इसका नाम लिख सकते म्यू टू हाइड्रोक्साइडो, म्यू टू हाइड्रोक्साइडो डेकामीन, डेकामीन बाइकोबाल्ट यानी डाइकोबाल्ट थर्ड, इसका ऐसे भी नाम लिख सकते हैं हम, यानी पांच अमीन है, दस अमीन है, दस को एक साथ, और दो कोबाल्ट है, दो को एक साथ, उसके बाद थर्ड कर दिया। लेकिन अगर पांच इधर अमीन दोनों लिगेंड अगर सेम है, तो ऐसा नहीं यहाँ पे नसरी आ जाए, यहाँ पे कुछ और आ जाए, सीएल आ जाए, तो हमने ऐसे डेक्का कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखिये नेक्स्ट एक और नाम इसका लिख सकते हैं हम, यानी एक नाम ये हो गया, एक नाम ये हो गया, और नेक्स्ट एक और नाम लिख सकते। देखिये ये जो है ना, अगर इसको बीस से काटा जाए, एक यूनिट ये एक यूनिट दोनों सेम है, तो यहाँ पे बीस वर्ड भी यूज लगा सकते, जैसे डेक्का ना करके पेंटा ही लिखे, लेकिन पेंटा को दो बार लिखे, तो पेंटा को दो बार लिखे, देखिए म्यूटू हाइड्रॉक्साइडो, म्यूटू हाइड्रॉक्साइडो, यानी कि अब लिखना है पे ब्रैकेट में लिखना है क्या, पेंटा अमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड,
ये यूनिट कितनी बार आया, ये पेंटा मीन कोबाल्ट थर्ड ये दो बार आया है, तो लेकिन पहले से आप पेंटा अंदर लिखा हुआ है तो दो को हम क्या लिख देंगे, बीस लिख देंगे, ठीक है ना। अभी पिछले एग्जांपल में बताया था कि बीस जो है कहाँ यूज करते हैं, अगर यहाँ पे ब्रैकेट में पेंटा पहले से ब्रैकेट में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा दिया है तो उसके बाहर दो को यूज करना तो बीस लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये तीन तरीके से नॉमिनल फ्रेजेस जो है हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बीएससी सेकेंड ईयर में जो सिलेबस है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, उसमें जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें हाफ क्वेश्चन यानी कि साढ़े चार नंबर के मार्क्स आते और तीन जो है तीन नंबर जो तीन क्वेश्चन है डेढ़ डेढ़ नंबर के यहां से जो है पूछे जाते, यानी एक ब्रीजिंग दे देगा, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स दे देगा, एक बाइडेंटेड वाला कॉम्प्लेक्स दे देगा, है ना। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ में जो एमएससी इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो एमएससी इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म मिलना है नॉमिनल फ्रेजेस से, नॉमिनल फ्रेजेस पार्ट से मिलना है, और साथ में जो आईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं एक क्वेश्चन उन्हें भी नॉमिनल फ्रेजेस पार्ट से मिलना है, ठीक है ना। लेकिन नेट जीआरएफ जो एग्जाम है उसमें जो है नॉमिनल फ्रेजेस पार्ट से कभी कभी पूछ लिया जाता, और वहां जो है इससे इसके बाद का जो पोर्शन स्टार्ट होगा जो वीबीटी थ्योरी है सीएफटी है एमओटी थ्योरी है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं इसका, एक और एग्जांपल करते, देखिए यहां पे हमने ले लिया NH3 5 क्रोमियम NH2 CO NH3 5 और यहां पे ले लिया 5 पॉजिटिव, ठीक है ना, ये ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते तो देखिए NH3 का क्या होता, 0 प्लस CR का x मान लिया, अब देखिए यहां पे CR है यहां पे CO है तो एक को x दूसरे को y मान लिया, 0 प्लस x और एक NH2 का ब्रीजिंग लिगेंड का क्या होता, -1 चार्ज होता, तो माइनस चार्ज जिसको क्या बोलते हैं लिगेंड में, मोनोडेंडेट ने पढ़ाया पिछले वीडियो में, क्या बोलते हैं अमाइडो बोलेंगे, तो -1 प्लस y प्लस 0 इक्वल टू प्लस 5, तो यहां से आ गया x प्लस y इक्वल टू प्लस 6, x प्लस y को बांट दीजिए 6 में, यानी कि +3 इसका यानी इसका +3 हो गया, इसका भी क्या हो गया +3 हो गया। आइए अब नाम लिखते, अब देखिए यहां पे एक NH3 5 CR है और दूसरा क्या है CO है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, अगर इसको काटेंगे तो दो पार्ट में नहीं बट रहा है, यानी कि इसका नाम केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता, तीन तरीके से नाम इसका नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसका नाम लिखेंगे पेंटा अमीन क्रोमियम, अच्छा यहां पे क्रोमेट भी हो सकता था, कब क्रोमेट होता, जब यहां निगेटिव होता, यहां पॉजिटिव है तो इसलिए क्या क्रोमियम थर्ड, फिर म्यूटू अमाइडो, म्यूटू किस लिए, क्योंकि यहां पे दो मेटल के बीच NH2 है, अमाइडो फिर डैश लगाइए पेंटा अमीन और यहां पे क्या लिखे कोबाल्ट थर्ड, ठीक है आयरन, ये हमारा नॉर्मल फ्रेजेस हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते, देखिए यहां पे हमने क्या कर दिया, हमने एक लिगेंड ऊपर ले लिया एक लिगेंड नीचे ले लिया, यानी ये मेटल जो है इस लिगेंड से जुड़े हुए, यानी ये भी म्यूटू है, एक मेटल ये मेटल के बीच एक लिगेंड है ये भी म्यूटू है ना, यानी इस पे दो म्यूटू है, एक दो लिगेंड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का काम कर ब्रिजिंग लिगेंड का काम कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में दो ब्रिजिंग लिगेंड है,
अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो फिर यानी कि जब म्यूटू हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे नामकरण में, NH2 और OH एक साथ है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये अमाइडो है, ये क्या है अमाइडो है, और ये क्या है हाइड्रोक्साइडो है, हाइड्रोक्साइडो है, एक अमाइडो और दूसरा क्या हाइड्रोक्साइडो। तो इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, इसका भी तीन तरीके से नाम लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि NH3 5 CR इधर भी है और NH3 5 जो है CR इधर भी है, ठीक है ना। ऑक्सीजन स्टेट निकालने सबसे पहले 0+, ये 0+ X- इसका 1 और इसका भी -1, तो प्लस X, CR को X मान रखा था, ये CR का भी X हो जाएगा, प्लस 0=+4 हो गया, तो यानी 2X= कितना हो गया +6 हो गया, X= क्या हो गया +3 हो गया, एक CR का +3 तो दूसरे का भी +3। नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, पेंटा अमीन क्रोमियम थर्ड। अब देखिए यहां पे म्यूटू लिखना, ठीक है ना, तो यहां लिख दे म्यूटू अमाइडो, किसको पहले लिखे, अमाइडो है और हाइड्रोक्साइडो, तो ए यहां पे पहले आता है अल्फाबेटिकल में, ठीक है ना, तो अमाइडो फिर म्यूटू हाइड्रोक्साइडो, फिर आगे डैश करके लिखे पेंटा अमीन क्रोमियम थर्ड, ठीक है ना। दो और नामकरण आप लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पेंटा, यहाँ पे पेंटा डेका कर दीजिए, और यहाँ पे सीआर, यहाँ पे सीआर बाई कर दीजिए, तो म्यूटू को आगे लेके चले जाइए, यानी कि ये वर्ड पहले लिखे म्यूटू अमाइडो, म्यूटू हाइड्रोक्साइडो, उसके बाद से डेका बेंड बाई कोबाल्ट थर्ड, ठीक है ना। अब इस वाला भी लिख सकते नाम, ठीक है, पेंटा पेंटा को दो बार नहीं लिखा, एक ही बार लिखा जाएगा, सीआर सीआर को एक ही बार लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बिस, नहीं पहले म्यूटू लिखे म्यूटू अमाइडो म्यूटू हाइड्रोक्साइडो बिस पेंटा अमीन क्रोमियम थर्ड, ठीक है ना, ये लिख सकते। एक और नाम लिखे, देखिए यहाँ पे एक सीओ है कार्बोनिल, म्यूटू है, ये भी म्यूटू है और ये भी म्यूटू है, लेकिन ये तीनों एक ही सेम है, सेम ब्रीदिंग लिगेंड है, ठीक है ना, तो इसपे हम लोग ट्राई का यूज कर सकते, तो इसका नाम नामकरण सबसे अच्छा, इसको ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगा, सीओ का 0 एफई का एक्स, इन तीनों सीओ का 0 एफई का एक्स, इन तीनों सीओ का 0, ठीक है, इक्वल टू 0, तो 2X= क्या हो जाएगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, तो यानी एफई का भी 0 एफई का भी 0, तो नाम क्या लिखेंगे ट्राई, और सीओ को क्या बोलते हैं कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल। अब देखिए ट्राई कार्बोनिल ट्राई लिख दीजिए, ठीक है, 1 2 3 म्यू है ना, तो ट्राई म्यू टू कार्बोनिल, ट्राई म्यू टू कार्बोनिल, उसके बाद से ट्राई कार्बोनिल आयरन, ठीक है, यहां पे ट्राई कार्बोनिल आयरन छूट गया, ट्राई कार्बोनिल आयरन, ठीक है 0, और यहां पे ट्राई कार्बोनिल आयरन 0, ठीक है ना। ये हुआ नामक्लेचर पोर्शन, यानी आपने जो है सबसे पहले पढ़ा साल्ट के बारे में, फिर साल्ट टू टाइप्स के, सिंपल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स टू टाइप का, डबल और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद से हमने डिस्कशन किया जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं, निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल चार्ज कॉम्प्लेक्स। फिर कॉम्प्लेक्स को हमने डिफाइन किया कि कौन कौन से पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे लिगैंड मेटल से जुड़ता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर और काउंटर आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो ब्रैकेट है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है काउंटर आयन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग लिगैंड का डेफिनेशन पढ़ा,
कि लिगैंड होते क्या, फिर लिगैंड के टाइप पढ़े। लिगैंड दो टाइप के होते, मोनोडेंडेट और पॉलीडेंडेट। पाली को हमने बांटा, मोनो को तीन में बांटा, पाली को जो है बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा एम्बीफ्लेक्सी में बांटा। उसके बाद से लिगैंड पढ़ने के बाद हमने क्या किया, नॉमन क्लेचर पढ़ा। नॉमन क्लेचर जो वर्ड था, यानी सिंपल से लेकर ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स तक जितने कॉम्प्लेक्स हो सकते थे, जितने टाइप के हो सकते थे, उसे हमने कवर किया। ठीक है ना, और भी कॉम्प्लेक्स होंगे, आप ट्राई करिएगा, इससे ढेर सारे कॉम्प्लेक्स है। लेकिन मैंने क्या आपको नाम सिखाया है, ठीक है, आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाई अजय कुमार सर की बुक यूज कर सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, ये बुक आपके बीएससी सेकेंड ईयर वाले बच्चे, एमएससी इंट्रेंस वाले बच्चे, आईटी जैम वाले बच्चे, सीएसआईआर नेट वाले बच्चे, सारे बच्चे यूज कर सकते हैं। अजय कुमार सर की बुक जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाई अजय कुमार, ये बुक आप यूज कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाई अजय कुमार सर, ठीक है, इनका बुक पढ़िए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये आपको बीएससी लेवल से लेकर एमएससी लेवल तक, ठीक है, बहुत ही अच्छा आप पढ़ेंगे। एमएससी का आप जो है सीएसआईआर नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी बुक जरूर पढ़िए। ठीक है, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन के जितने भी क्वेश्चन कवर कर लेंगे आप, उससे उतना आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वीवीटी थ्योरी। ओके।